गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम टीचिंग यू नॉर्मल नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बनिक यौगिकों का नामकरण. इसके लिए स्टूडेंट्स एक पद्धति दी गई जिसे हम IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री. इसे समझने के लिए हमें दो बातें हमेशा याद रखनी होंगी. एक को हम पूर्व लग्न इंग्लिश में हम प्रीफिक्स कहते हैं और एक को हम अनुलग्न जिसे हम सफिक्स कहते हैं. प्रीफिक्स, पूर्व लग्न, अनुलग्न, सफिक्स. पूर्व लग्न का मतलब यह है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखेंगे तो उसके शुरू में हम जो भी वर्ड लिखते हैं उसे हम पूर्व लग्न कहते हैं. जैसे मैं आपको बताता हूं, वन कार्बन के लिए आपको याद करना होगा मैथ, टू के लिए आपको याद करना होगा एथ, थ्री के लिए प्रॉप, फोर के लिए ब्यूट, फाइव के लिए पैंट, सिक्स के लिए हेड, सेवन के लिए हैट, एट के लिए ऑक्ट, नाइन के लिए नॉन, टेन कार्बन अगर होंगे तब उसे हम डेक कहते हैं. ये सभी हमारे प्रीफिक्स कहलाते हैं. सफिक्स जो भी आप वर्ड बाद में ऐड करेंगे जोड़ेंगे उसे हम सफिक्स कहते हैं. अब देखिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं. सबसे पहली जो सीरीज है वो है हमारी एल्केन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने के बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ सकते. इससे पहला आपको यही समझना होगा एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2, जहां n बराबर कार्बन एटम की संख्या, कार्बन एटम की संख्या. देखो n बराबर मैं 1 रखता हूं इस फॉर्मूले में, C(1) H2 into 1 plus 2, तो CH2 plus 2 CH4. तो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड इन विच ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट, दिस इज द एल्केन. अब इसका क्या रूल है जब हम इसका नेम लिखेंगे, तो रूल यह है बच्चों कि जो भी आपका प्रीफिक्स होगा, मैंने भी आपको नोट करा है 1 carbon to 10 तक, उसमें आप एन ऐड कर देंगे, इसको हम सफिक्स कहेंगे. और पहचान इसकी यह है कि कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है. कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है. अब मैं एक नेम लिखता हूं. देखिए सबसे पहला मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3. देखिए देयर आर 3 कार्बन एटम, 1, 2, 3. तो 3 का प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था प्रॉप, तो आप इसमें एन ऐड कर देंगे हम प्रॉपेन. दिस इज आई पी सी नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड.
इसी तरह से एग्जाम्पल देखो मैं लिखता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर केवल दो कार्बन है तो दो कार्बन का प्रीफिक्स एथ है, एन ऐड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 CH3, चलिए लिखेगा लिखने पर एग्जाम्पल नंबर 3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। यहां पर 5 कार्बन है तो 5 का प्रीफिक्स होता है पेंट, एन जोड़ देंगे पेंटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, मैं यहां इस तरह से कोई एक सब्स्टिट्यूट ऊपर या नीचे इसमें अटैच कर दूं तब क्या होगा। देखिए बच्चों, जैसे ये हमारा कंपाउंड है तो इसमें ये तो मिथाइल जो है, अब ये सब्स्टिट्यूट हमारा बन गया है ऊपर या नीचे होने पर ये, तो अब हम इसकी काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा ये सब्स्टिट्यूट पास में हो। तो ये इधर से मैं इसकी काउंटिंग करता हूं, क्योंकि इधर से ये सेकंड नंबर पे है, अगर हम इधर से करेंगे तो इसका नंबर 4 हो जाएगा। लोग का रूल ये है नोमेनक्लेचर का, काउंटिंग आप उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूट पास में हो, इसलिए हम इधर से इसकी काउंटिंग करेंगे। और CH3 को हम मिथाइल कहते हैं तो इसका नेम हो जाएगा 2-methyl। 5 कार्बन बचे हैं आपके तो 5 को हो गया पेंट ए, 2-methyl पेंटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूं, देखो CH3 एक सब्स्टिट्यूट मैंने ऊपर लगाया एक नीचे लगाया, CH2 CH2 CH3। अब इसकी काउंटिंग करते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर एक ये वाला दोनों मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट के रूप में आ गए हैं। जब दो ग्रुप सेम हो तो आप ऐसे लिखेंगे 2 2 2 के लिए डाई लिख देंगे, 2 2 डाई मेथिल। कार्बन कितने 6 है, इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए मैं नेक्स्ट चलता हूं बच्चों, अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाने लगा, जैसे देखिए अगर हम बनानी है स्ट्रक्चर, दो लगा के आनी चाहिए हमें, एक एग्जाम्पल लिखता हूं देखो 3-4-डाइमेथिल हेप्टेन। ठीक है, हेप्ट हमें यह बता रहा है कि यहां पर 7 कार्बन हैं, तो आप क्या करेंगे सिंगल बॉन्ड लगा करके 7 कार्बन आप नोट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे मिथाइल ग्रुप ऐड करना है। इसमें हम राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। चलिए मैं राइट से स्टार्ट करता हूं, जब हम राइट से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 ये जो कार्बन है 3 एक मिथाइल यहां जोड़ देंगे और एक मिथाइल ग्रुप यहां ऐड कर देंगे। अब वैलेंस कार्बन की देखिए 4 होती है बच्चों, वो कैसे पूरी करेंगे, जितनी वैलेंसी की कमी होगी उतने हाइड्रोजन एटम ऐड कर देते हैं, तो मैं एच यहां ऐड कर देता हूं, 1 को इससे पूरी कर दी, 3 एच कर दी मैंने ऐड। इस वाले कार्बन को देखिए, 1 कार्बन में इसने इधर से पूरी करी वैलेंसी, 1 इधर से पूरी की, 2 की कमी है तो H2। इसको देखिए 1 इधर से पूरी की, 1 इधर से तो H2। इस वाले कार्बन को देखिए 1 वैलेंसी पूरी करी है, 1 इधर से की है, 1 इसमें 1 हाइड्रोजन एटम आएगा, इसमें देखिए 1 2 एक वैलेंस यहां से पूरी हुई, यहां भी ऐड करेगा बट हियर CH2। अब लास्ट में चूंकि केवल एक वैलेंस पर कंप्लीट है इसकी तरफ से, इसलिए एच का 3 हो जाएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं। एग्जाम्पल और देखिए, मैं लिखता हूं 2-3-4-ट्राई-मेथिल ऑक्टेन, मिथाइल बोल देते हैं।
अब देखिए क्या करना है, ऑक्ट के लिए मैं एक कार्बन लिखता हूं, दो तीन चार पांच छह सात आठ, चलिए बच्चों अब क्या करना है, एक सेकंड नंबर पे, एक थर्ड नंबर पे, एक फोर्थ पे आपको मिथाइल ऐड करना है। एक मैंने यहाँ ऐड कर दिया, आपको मैं लेफ्ट साइड से करता हूँ, एक मैंने यहाँ ऐड कर दिया, एक मैंने यहाँ ऐड कर दिया, अब वैलेंस पूरी करेंगे तीन। इस कार्बन को देखिए वन टू थ्री एच आएगा, इस कार्बन को देखिए वन टू थ्री एच आएगा, इसको देखिए वन टू थ्री एच आएगा, यहाँ एच टू आएगा, एच टू दो साइड से पूरी है इसकी, यहां भी एच टू बट हियर सी एच थ्री। इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर हो गई टू थ्री फोर ट्राइन मिथाइल ऑक्टेन की होगी स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, और मैं आता हूं केवल डेकेन हम कैसे लिखेंगे। डेकेन देखिए कितने कार्बन हो गए बच्चों, टेन कार्बन हो गए, तो वन टू थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरह से कुछ नहीं करना है इसमें, सब्स्टिट्यूट कोई है नहीं, बैलेंस इक्वल कर देंगे बस। सी एच थ्री यहां सी एच टू, यहां सी एच टू, यहां भी सी एच टू, यहां भी सी एच टू, यहां भी सी एच टू, इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर हो गया हमारा डेकेन। तो ये नॉर्मल क्लेचर की मैंने फर्स्ट सीरीज आपको कराई, जिसे हम क्या कहते हैं एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 की पहचान है, कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और जब इनका नेम लिखेंगे तो सफिक्स यानी कि अणु लग्न हम प्रीफिक्स में एन ऐड कर देते हैं। इसके बाद सेकंड सीरीज स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज एल्कीन, वो एल्केन था, यह है एल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला बच्चों है CnH2n। यहां पर लेकिन हम एक बात ध्यान रखनी है कि n का मान मिनिमम 2 होना चाहिए, तब हमारी एल्कीन बनेगी, 1 से एल्कीन नहीं बनेगी। तो मेरा कम फॉर्मूला वैल्यू C(2H2)2, तो C2H4, दिस इज द फर्स्ट एल्कीन ऑफ सेट 2 कार्बन एटम। दो कार्बन एटम की आपकी एल्कीन है, और इसकी पहचान यह है कि कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड मैं ऐसे शो कर देता हूं, सी डबल बॉन्ड सी, वैलेंसी एन की सी डबल बॉन्ड सी होता है। रूल यह है कि जो भी आपका प्रीफिक्स होगा, मैंने स्टार्टिंग में दी है 1 से लेकर 10 तक, उसमें आप ई जोड़ेंगे। एग्जाम्पल CH2 CH3 1 2 3 4, यहां पर जो है फर्स्ट नंबर पे कार्बन
फोर है तो फोर का हो गया प्रीट्रिब्यूट वन ईन, वन को हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, या ब्यूट टी ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर थ्री सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। इसमें हम काउंटिंग देखिए यहां से करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड हमें पास में आता हो तो हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे, सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड पास में है तो नेम हो जाएगा टू सिक्स को कहेंगे हेक्स टू हेक्सीन, या हम लिख देंगे हेक्स टू ईन और हेक्सीन टू भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड, इसका नेम हो गया बच्चों वन टू थ्री टू प्रोपीन या प्रोप टू ईन, प्रोप टू ईन। इसके बाद मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, कैसे बनाएंगे देखिए, टू मेन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन स्ट्रक्चर, थ्री मिथाइल वन हेक्सीन, कितने कार्बन लिख रहे हैं सिक्स लिख रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थर्ड नंबर का मिथाइल वन हेक्सीन, इसका मतलब डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पर, तो एक बॉन्ड यहां पर है एक वाला कर दिया, बैलेंस पूरी कर दीजिए, डबल बॉन्ड से टू पूरी करेगा तो टू और टू फोर टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर टू टू और लास्ट में हो गया आपका थ्री। एग्जाम्पल ये फर्स्ट था स्ट्रक्चर में, एग्जाम्पल टू मैं लिखता हूं टू ऑक्टी, एट कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सेकेंड नंबर में ऑक्टी एक डबल बॉन्ड हो गया एक डबल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड सिंगल था इसमें एक और लगा देते हैं, वैलेंस पूरी करते हैं वन यहां कितना आ जाएगा टू वन थ्री एच आएगा, ठीक है यहां भी एच आएगा, ये एच टू ये एच टू ये एच टू ये एच टू और ये एच थ्री। इस तरह से ये एग्जाम्पल में लिखते हैं एथिलीन, टू कार्बन है केवल सी डबल बॉन्ड सी, तो वैलेंसी पूरी करते हैं दो यहां आएगा और दो आपका सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हुई इस एल्कीन की, एक सीरीज और पढ़ाते हैं थर्ड जिसे हम एल्काइन कहते हैं, जिसे हम एल्काइन कहते हैं। जमा आइन एथाइन,
ब्यूट जमा आइन ब्यूटाइन। अब मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं, उससे पहले एग्जाम्पल बताता हूं, नेम इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बताऊंगा उसके बाद। देखो सबसे पहले लिखते हैं हम टू भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू सी एस थ्री, ये सब्स्टिट्यूट लगा दिया मैंने हम सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। देखिए इसमें काउंटिंग हम डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, वन टू थ्री फोर, ये जो सब्स्टिट्यूट है पहले लिखेंगे थ्री मैथिल वन वन ब्यूटाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थ्री सी एच ट्रिपल बॉन्ड टू आएगा। देखिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दो स्थानों पर है बच्चों, एक यहां पर है ये और एक यहां पर है। इसी कंडीशन जब हो तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, एक वन पे है और एक फोर पे है, तो वन फोर फाइव आर हो गए, तो फोर फाइव पे है पैंट ए जोड़ेंगे अपने पास से हम, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टू टाइम्स हो या होता है टू टाइम्स वन फोर पैंट का डाई आइन, वन फोर पैंट का डाई आइन। मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं, देख स्ट्रक्चर नंबर वन हेक्साइन, सिक्स कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नंबर नहीं दे रखा तो इसका मतलब वन में जोड़ेंगे आप, सिंगल बॉन्ड एक है दो, पहले